अच्छा, आपने कुछ साइकोलॉजिकल डिजीज का इलाज किए हाँ हाँ हैं? वो भी किया है एक दो बंदों का मैंने। हाँ अच्छा, माशाल्लाह। जी वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि एक दो बच्चे थे वो खाना नहीं खाते थे, वो स्टाफ मेंबर हैं, वो ले आए मेरे पास, मैंने अप्लाई किया, दूसरे दिन पूछा, वो कहते हैं कि घर का राशन ही खत्म कर दिया उन्होंने, कहते हैं क्या किया? घर का राशन मतलब ज्यादा खाना शुरू हो गया, खाते हैं बिल्कुल बिल्कुल क्यों रहे अभी, वो पहले अच्छा खाना नहीं अच्छा खाता था, 1.5 साल के बच्चे मतलब नहीं लेना, दूध नहीं लेना, जूस नहीं पीना, वालदैन होता है कि यार खाएं कुछ सही सही ऐसे सही सेहतमंद सही, हो जाए, अल्लाह तो आपका वो भी शुक्र ठीक है। हो गए, बाकी साइकोलॉजिकल भी कुछ एक दो पेन थे वो भी ठीक हो गए हैं, वो कहते थे कि हमें हर वक्त खौफ सा रहता था ना, सही सही। डर था जिन से पता नहीं क्या है हमारे घर में, तो वो भी खत्म हो गया बिल्कुल, तो कमर का दर्द, मोरू का दर्द बिल्कुल। अगले कल मेरे पास एक बंदा है जिसके वो चेहरे पर वो सर चुईया सी होती है ना, वो हम चुईया बोलते हैं, वो जिसमें थोड़ा सा निकल आता है बंदे की स्किन उभर जाती है, सही सही अब सही। पता नहीं क्या कहते हैं दादी वो है, तो वो उनका करे, मैंने वो अप्लाई किया सुबह, उससे पता किया, कहता है वो तो गिर गई है, चेहरे पर थी उसकी, शेव नहीं बना सकता था, हाँ तो आज उसने शेप बनाई थी, कहता है मैं तो ठीक हो गया, मैं कहा यार दुआ करें डॉक्टर साहब के लिए भी और मेरे लिए भी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो इसका मतलब है समदा से साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिजीज ऑल काइंड बहुत ऑफ। बहुत कैन बी क्योर बिल्कुल इंशाल्लाह जी, बहुत जी बहुत, जी बहुत अच्छी बात है। बल्कि बल्कि अभी मैं मुझे एक बच्चे का वो तो उसको पेट में वो कह रहा था कल पता नहीं पानी पिया मैंने खराब किया तो डायसेंट्री हो गई है, गड़बड़ है पेट में बढ़िया, तो वो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट है एमफिल का, उधर मैंने अप्लाई किया अभी अभी मेरा ना 5-10 मिनट पहले, तो फिर मैंने फोन करके पता किया है, तो कहता है जी मैं तो ठीक हो गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी डिस्टेंस हीलिंग करता है, अब दूर से। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत आप अच्छी कहा बात, था ना वो तो आपको गलत तो नहीं कहते ना माशाल्लाह जी, बिल्कुल। आपकी तो रिसर्च है बड़ी, हम लोग तो वैसे ही आगे थे ना आपको सुन के। अच्छा, ये नाज़रीन को ये बताएं कि ये होता कैसे, ये कांटेक्ट कैसे होती है, कि मसलन यहाँ से बैठे हम, दुनिया के किसी भी किनारे में कोई शख्स है, हम यहाँ से उनके हाँ हीलिंग करते हैं, वहाँ पर जो बैठते हैं वो अल्लाह उनको शिफा दे देते हैं, थोड़ी देर बाद कॉल आ जाता है, अल्लाह ठीक किए होते हैं उनको, हाँ ये लोग सुनते हैं, और ये लोग गो को ये पता नहीं कि ये होता कैसे है, क्या है ये? आपने क्या फील किया था जो? ये जो मैं आप से बात कर रहा हूँ, ये टेलीफोन है ना, इसके साथ कोई तार भी नहीं जुड़ी, कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ ना, सही सही इन सही, नंबर ऐसे डायल किए हैं, 2-4 उसके पास सेंड किया है, तो डायल आपके किया पास और मिल गया दुनिया के किसी किनारे में भी किसी के साथ से। आया वो जिस चीज को बेस बना के, ये इंसान ने तरक्की की है, साइंस ने तरक्की की है कुरान को बेस बना के, जिसमें कुरान में लिखा हुआ है ना तुम फिर उठो एक्सप्लोर करो दुनिया को देखो, उसको बेस बना के उन्होंने किया, तो ये अल्लाह का नाम लेके अगर बंदा कंसेंट्रेट करके उस पर करता है अप्लाई, तो क्या हुआ नहीं पहुंच सकता, वो तो शबे महराज कैसे हुई थी सर, एक रात में अल्लाह ने सातु उस्मानों को हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उधर से लेके आए, सही सही, बिल्कुल सही। इसमें तो सर ये बेस बना के सारी इजादात हुई है ना। हाँ इट्स पॉसिबल, ये तो क्योर हो सकता है जो आपने रिसर्च की है और हम लोगों को इस लाइन पे लगाया है, और हमारा मेरा तो 100% फेथ है जी, बल्कि इससे ज्यादा हो तो वो भी फेथ है। हमारे रिसर्च के मुताबिक एक टेलीपैथिक पावर होती है, जो कि हाँ हम हाँ दूसरों हाँ के साथ बिल्कुल कनेक्ट होते हैं, वो जी तो एक टेलीपैथिक पावर होता है कि हम बातचीत कर सकते हैं किसी के साथ, कुछ ऐसा कुछ जी करके। एक होते ये हैं कि हीलिंग होते है एक इंसान की, यानी वो जी सर ठीक हो जाते हैं, वो अल्लाह ताला उस अजाब से निकाल लेते हैं जो बहुत तड़पते हैं, दर्द है हाँ उनको, उसको अल्लाह ताला वहाँ से निकाल लेते हैं, और कितनी बड़ी सवाब की बात है। कोई शक नहीं है, दीन के हवाले से कह रहे कि इंसान ने किसी को बचाया तो जैसा कि सारे इंसानियत को बचाया जाए। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, ये तो 100% रिजल्ट है 100%, और इतने लोगों की कॉल मैं आपके प्रोग्राम में सुनता हूँ, मैक्सिमम लोग कोई एक कॉल भी मैंने नहीं सुनी जिसने कहा इसका फर्क नहीं पड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं प्रोग्राम आपका रेगुलरली देखता हूँ 8 बजे सुबह आप टीवी पे ना, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल जी अल्लाह का शुक्र तो है। अल्लाह आपको हिफ्ज़ो अमान में रखे जी, जी जी ताकि आप ये नेकियां बांटते रहे लोगों में, हम जैसे लोग जो है इससे मुस्तफीद होते रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप जैसे एक्टिव स्टूडेंट्स हमारे साथ होंगे तो हाँ हम और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। समदा हीलिंग एनर्जी, क्रोनिक डिजीज जिसमें जिस्मानी बीमारियां, जो सर का दर्द है, आदि सर का दर्द है, आइज प्रॉब्लम है, आंखों की प्रॉब्लम है, आंखों की जो प्रॉब्लम से ये आंखों की जो
آئی سائٹ ہے، کمزور ہے، ویک ہے، یا کوئی بھی پرابلم ہے، الحمدللہ آئیز کی پرابلم ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور ایسا بھی ہے جو بلائنڈ ہوتے تھے، اللہ نے ان کو جو ہے نا ان کو. آپ پچھلا جو پہلا کالر ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے وہ کیا تھا، اللہ نے ان کو شفا دی ہے، ان کو 3 سال سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ نے ٹھیک کیا. تو یہ کیا ہے، یہ آپ سیمینار میں آ کے، لیکن سمدھا پہ ابھی بات کرتے ہیں کیا ہے، یہ ضرور تھوڑا بات کریں گے، لیکن بینیفٹس پہ میں زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے آپ آئیں گے تو آپ کو اپنا مسئلہ لیں گے تو اللہ کیور کریں گے. اور یہ بڑی زبردست بات ہے کہ آپ ساتھ ایک مالج بنتے ہیں. ایک کال ہولڈ پہ ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ. السلام علیکم. وعلیکم ڈاکٹر صاحب، شکر ہے آپ کے بات کرنے کا موقع ملا، بہت شکریہ. کارڈک پیشنٹ تھا، دل کا مریض تھا میں. مجھے تمام ڈاکٹروں نے بائی پاس کا اور اینجیو پلاسٹی کا جو ہے نا وہ ریکمینڈ کیا تھا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ علاج نہیں بتا رہے تھے. تقریباً 700-800 روپے کی میں میڈیسن ڈیلی کھاتا تھا. جی 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 جی. انٹرنیٹ پہ میں نے آپ کا پروگرام دیکھا، صحیح صحیح، اور اس کے بعد میں نے پہلی فرصت میں آپ کے پاس حاضر ہوا. میں نے 2 لیول آپ کے پہلے جب اٹینڈ کیے، میرا 90% مسئلہ کیور ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ، بہت اچھا. 90% میرا مسئلہ کیور ہو گیا الحمدللہ، اور مجھے میڈیسن کی کوئی ضرورت نہیں پڑی. بہت اس کے لیے جتنا بھی شکر گزار آپ کا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. اس کے بعد میں نے آپ کے 6 لیول تک کیا، پھر ایچ ایم ایف کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ دوسرے جو پیشنٹ ہیں ان کا 99% میں علاج کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا. اور یہ سب آپ کی مہربانی، آپ کی تربیت، آپ کی ٹریننگ، اور یہ سمدھا کا جو ایک کرشماتی ایک موضوع ہے، یہ جو آپ نے ٹرانسفر کیا ہے، یہ اللہ آپ کو اس کی جزا دے، لوگوں کو اس کو فائدہ اٹھانے کی اور زیادہ سے زیادہ توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو اور طاقت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، میرے عزیز اسٹوڈنٹ کو، میں بہت شکر گزار ہوں. انشاءاللہ میں دوسرے دوستوں سے بھی یہی کہتا ہوں، اور اب میں نے ایک معمول بنا لیا ہے کہ میں ڈاکٹروں کے ہاسپٹل میں جاتا ہوں جو اس طرح کے پیشنٹ ہوتے ہیں، تقریباً 90% ان کا میں علاج کرتا ہوں فی سبیل اللہ. الحمدللہ، بہت بڑی بات ہے، ان کا علاج کرتا ہوں، بہت اچھا، اور وہ بہت بہتر فیل کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت بہتر فیل کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کے اچھے بات ہیں کہ ہماری بات یہ ہو رہے ہیں کہ یہی ہو رہے ہیں کہ سمدھا سے کن کن بیماریوں کا علاج ہوتے ہیں. تو کیا فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل بیماریاں دونوں کیور ہوتی ہے؟ جی جی، فزیکل کے ساتھ ساتھ جو میں نے محسوس کیا ہے نا جی، کہ مجھ میں انرجی جو پاور ہے نا جی، وہ 110% اور انکریز ہو گیا ہے. بڑی بات ہے، یعنی اپلائی کرنے سے، جو لوگ اپلائی کرنے سے انرجی پاور جو ہے نا وہ 110% اور انکریز ہو گیا ہے. جی جی، کانفیڈینس بلپ ہوا ہوا ہے، اور مجھے اب ایک میڈیسن کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. بہت اچھی بات ہے. اور ڈاکٹر حیران ہے کہ آپ نے کیا کیا، یہ کیا کمال کیا. جب میں ان کو چیک کروانے کے لیے جاتا ہوں، صحیح صحیح، وہ حیران ہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. صحیح، میرا بی پی نارمل ہوتا ہے، ہر چیز نارمل، ہر چیز نارمل ہوتا ہے، اللہ کا شکر. اور یہ صرف آپ کی جو طریقہ علاج ہے، آپ نے جس طریقے سے بتایا ہے اس طرح میں کر رہا ہوں، اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور مجھے تو الحمدللہ بہت فائدہ ہوا ہے آپ کی اس بات. اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا. اور انشاءاللہ جو آپ کے باقی پروگرام ہیں جی، وہ میں کسی بھی طرح اٹینڈ کروں گا، مکمل کورس انشاءاللہ، بالکل، اور سب کو فی سبیل اللہ جو ہے میں اس کا علاج کروں گا. جی بالکل، بہت اچھی بات ہے. صاحب جتنی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، خدا اس کو دوبالا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو. اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک کے شفا من جانب اللہ ہوتے ہیں نا، ان کے کچھ بیماریاں کیور ہوئی ہوئی لیول 1-4 سے کچھ نہیں ہوئی،
नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो फख्र है कि मैं तकरीबन अब महसूस करता हूँ कि 110% क्योर हो चुका हूँ। नहीं वो ठीक है, आप तो हो गए, आप आगे भी बढ़ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने एक चंद बीमारियाँ ठीक हो गई, एक चंद बीमारियाँ हैं जो नहीं हुई है, उनको क्या करना होता है? वो फिर नहीं आता है अगर चंद बीमारियां क्योर हुए चंद नहीं। वो मेरा मशवरा उनके लिए ये है कि वो बाकी जो लेवल है वो लाजमी करें और यकीनन उनको इससे बेहतर फायदा होगा। फायदा होगा क्योंकि बाकी लेवल है, इसलिए एडवांस लेवल कि अगर कोई बीमारी ऐसा हो जिस तरह लेवल 7 में ऑपरेशन होती है, ऐसा कुछ साइकिक सर्जरी होती है, लेवल 5 में वो जो बीमारियां हैं जो बिल्कुल जो क्रोनिक डिजीज है वो ठीक होते हैं, लेवल 8 की अपनी मखसूस बीमारियां हैं, मखसूस अमराज है और मोटापे का है, उस तरह के जल्दी अमराज है उसमें अपनी जगह, उस लेवल 9th अपनी जगह, मास्टर लेवल के अपनी जगह बेनिफिट्स होती है। तो एक इंसान को चाहिए कि वो आके आगे लेवल बढ़ें और मास्टर तक जाएं, क्योंकि ये सिलसिला कब तक ऐसा 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 जाएगा ये तो मास्टर तक जाएंगे। मैं तो जाऊंगा, हर सूरत पे जाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल अपने जगह दे, इसकी बड़ी मुश्किल थे आपके लिए कॉल मिली, बहुत ट्राई कर रहा था मैं। अपने अपने वो जो है ना उसमें रखे, अपने गोल में रखे लिखी और उनको जो है ना एनर्जाइज कर। डेफिनेटली डेफिनेटली ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई कि समदा के आपको बेनिफिट्स बेनिफिट्स ऑफ समदा बता रहे, बेनिफिट्स ऑफ समदा जो है किन किन बीमारियों का समदा से इलाज होती है स्टूडेंट्स आपको बता रहे हैं। जो लोगों ने इस तरीका अपनाया सिर्फ ये 2 दिन में इन्होंने हासिल किया, अल्लाह ने ऐसे क्रोनिक डिजीज ठीक किए उनके अपने भी और अदर्स भी। समदा का साइकोलॉजिकल डिजीज फिजिकल डिजीज जो है, सर का दर्द जो होगा, दे सर का दर्द है या प्रॉब्लम्स है, आई की प्रॉब्लम्स है, देखे अल्लाह ने ठीक किए। और ये आप बता रहे कि इन्हें कॉलर कितने कितने वो दवाई ले रहे थे, अल्लाह ने उनको ठीक कर दिए। इस तरह होता है, जल्दी अमराज है, फिर आपके आते हैं मसाइल, एलर्जिक मसाइल, नोजी का और ये गले के आते हैं, लंग्स के आते हैं, कुछ आस्थमा की प्रॉब्लम्स होती है, गर्दन की जो प्रॉब्लम्स है, जो कुछ लोग मूव नहीं कर सकते हैं या गर्दन में दर्द होते हैं, दबाव सा रहते हैं यही पे, कुछ ऐसा दबाव रहते हैं, ये चीज़ें समदा से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। और दूसरी बात है कंधों पे प्रॉब्लम, दबाव सा होते हैं कभी या दर्द सा होता है, बैकबोन में प्रॉब्लम होती है, तो ये अल्लाह ताला ठीक करते हैं। कुछ लोगों के जोड़ों में दर्द होता है हाथों के, बिल्कुल कुछ लोग हाथ नहीं उठा सकते हैं, फालिज का अटैक होता है उसको, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों के हाथ उठे अल्लाह ने ठीक किए। और आप भी एक तजर्बा कर सकते हैं, कुछ लोगों को वैसे ही दर्दें होती हैं यहाँ पर और दूसरी प्रॉब्लम्स होती है, तो ये अल्लाह ठीक कर दें। हार्ट डिजीज़ है, मैदे की प्रॉब्लम है और गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, लंग्स की कुछ बहुत सी बीमारियाँ हैं, ये कैसे ठीक होती है ये इस कॉल के बाद आपको बताएंगे। एक कॉल होल्ड पे हैं, फिर हम आते हैं दोबारा, समुदाय किन किन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। मैं ताहरा बोल रही हूँ, प्लीज मुझे लाहौर का अपना शेड्यूल भी बताइए और दूसरा ये कि कैंसर के मरीजों के बारे में भी थोड़ा सा पूछना था कि कैंसर के मरीज भी ठीक हो सकते हैं इससे। Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program. Every morning at 8 a.m. learn HMF, Human Magnetic Force, the world most successful formula. Learn world most powerful healing energy Samda. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all incurable disease through natural way of healing. And connect with the nature. Control and enhance your mind power through natural way of healing with no side effects.
फॉर मोर इन्फो कॉल अस एंड रीड माय बुक्स एंड विजिट www.zealsciences.com एंड samadmusafir.com एंड वॉच माय ऑल प्रोग्राम ऑन यूट्यूब एंड ज्वाइन आवर ग्रुप्स ऑन फेसबुक ज्वाइन अस एंड कनेक्ट विद द नेचर